नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में एक ट्रेन की ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनने के बाद आप तो जरूर कहेंगे ये तो गजब हो गया। रेलवे और रेलवे से जुड़ी हुई कई तरह की घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा, जिससे कि ट्रेन की पटरी से उतर गया या फिर देश में ट्रेनों के लेट होने की घटना आम जैसी है। लेकिन ज़रा सोचिए, किसी ट्रेन को जाना हो कहीं और पहुँच जाए कहीं और, तो फिर क्या स्थिति होगी? होना क्या है? ट्रेनों में चर्चा शुरू हो जाएगी और ट्रेन में जो यात्री होंगे उनके बीच में जो है अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। गुरुवार की भी सुबह गुवाहाटी से जम्मू तवी जा रही ट्रेन के बीच के रास्ते में ही अपना रूट जो है वो बदल गया। फिर क्या था, पूरी ट्रेन में जैसे अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। बता दें कि गुवाहाटी से जम्मू तवी जा रही अमरनाथ एक्सप्रेस को दरअसल बिहार में बछवाड़ा जंक्शन से उसे समस्तीपुर की तरफ जाना था, लेकिन यह ट्रेन जो है हाजीपुर रूट में चली गई। इतना ही नहीं, यह ट्रेन जो है करीब 3 किलोमीटर तक आगे बढ़ गई, जिसके बाद इस बात का सुध मिला कि यह ट्रेन जो है अपने ट्रैक से भटक चुकी है। जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो अमरनाथ एक्सप्रेस को चालक ने सबसे पहले ट्रेन को रोका, उसके बाद चालक ने उस बछवाड़ा जंक्शन के स्टेशन कार्यालय से संपर्क साधा, जिसमें यह बताया गया कि ट्रेन गलत रूट में चली गई है। दरअसल यह ट्रेन गुरुवार की सुबह से करीब 5 बजे बछवाड़ा जंक्शन के लाइन संख्या 8 से थ्रू में गुजरी थी। हालांकि स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जो ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली है उसका रूट क्या होगा। इसका नतीजा क्या हुआ, ट्रेन अपने रूट से भटक गई और 3 किलोमीटर तक आगे चली गई। ये तो ड्राइवर की सूझबूझ रही कि ट्रेन को रोका और फिर स्टेशन से संपर्क कर उसको फिर से वापस लिया गया। इस पूरे मामले में 2 स्टेशन मास्टर और रेलवे कंट्रोल कर्मियों को गाज गिरी है, यानी कि उन्हें जो है तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। बछवाड़ा स्टेशन को लेकर जो जानकारी साझा की जा रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि बछवाड़ा से हाजीपुर रूट के लिए प्लेटफॉर्म संख्या 7 और 8 से ट्रेनें गुजरती है, जबकि बछवाड़ा से समस्तीपुर रूट के लिए रन थ्रू ट्रेन जो है 3 या फिर 4 नंबर प्लेटफॉर्म से गुजरती है। ऐसे में बछवाड़ा जंक्शन पर अमरनाथ एक्सप्रेस को लाइन संख्या 4 की जगह पर 8 से गुजारा गया, जिसके चलते यह ट्रेन जो है समस्तीपुर रूट से भटक कर यह हाजीपुर रूट में चली गई। इस कारण ट्रेन बछवाड़ा जंक्शन की पूर्वी गुमटी संख्या 21B के पॉइंट नंबर 53 से ही गलत रूट में प्रवेश कर गई। फिर लाइन संख्या 8 से उक्त ट्रेन को गुजारते हुए आगे का भी सिग्नल ग्रीन रखा गया। इस पूरे मामले को लेकर ट्रेन चालक ने बताया कि उसे इस रूट से गुजरने का कौशल नहीं मिला था, लिहाजा ट्रेन रोककर उसे स्टेशन मास्टर से संपर्क किया, फिर बाद में उक्त ट्रेन को आगे गुमटी संख्या 1 पर बढ़ाकर फिर गुमटी संख्या 21B के समीप सही पॉइंट तक बैक किया गया। फिर समस्तीपुर रूट के रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को लाकर गंतव्य के लिए प्रस्थान कराया गया। इस पूरे मामले को लेकर सोनपुर के DRM नीलमणि ने बताया कि तत्काल इस मामले में 2 ASM को निलंबित किया गया है। पूरे मामले में जांच का आदेश दिया गया है। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वाले अन्य कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर आम लोगों के बीच में जो बातें कही जा रही है, वो कहा जा रहा है कि स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर थे वो सोए थे, उनको जो है इस बात का भान ही नहीं रहा कि यहाँ से कोई ट्रेन गुजरने वाली है, और जिस पोजीशन में उन्होंने पटरियों को चेंज करना होता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने के लिए, वो जो है उन्होंने नहीं किया और इसका जो है खामियाजा अब जो है पूरी ट्रेन को गुजरना पड़ा और वो 3 किलोमीटर आगे चली गई। और ऐसे में हादसा भी हो सकता था, लेकिन खुशकिस्मत रहे पूरे ट्रेन के लोग, एक तरह से कह लें कि पूरी ट्रेन जो कि गलत ट्रैक पर चली गई उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। ऐसे में लोगों के बीच में जो है अफरा तफरी का माहौल जरूर बना रहा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।